हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड और आप बिल्कुल कोरोना से सेफ होंगे, बचे होंगे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख ही चुके हैं कि अब यू टू बी होने वाला लॉकडाउन, तो इसके पीछे जो रीजन हम बता दें कि देखिए, जो इस समय सबसे बड़ा हमने मुहिम छेड़ा है लॉकडाउन का कि हमको 21 दिनों तक घरों में कैद रखना है अपने आप को, जिसकी वजह से कि हम कोरोना का जो चेन है, जो बढ़ते हुआ इसका चेन है, उसको ब्रेक कर पाएँ और कोरोना से बिल्कुल इंडिया को मुक्त कर पाएँ। लेकिन आप समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं हमारी वजह से फेल्योर हो, हम कहीं ना कहीं लॉकडाउन को फेल्योर कर रहे हैं, जिसके वजह से जो कोरोना का चेन है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है और संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप समझ सकते हैं कि संख्या पहले 13 थी, अब 1300 के लगभग हो चुकी है। पहले मरने वाले संख्या 5 थी, अब 25 पहुँच चुकी है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोरोना का जो चेन है कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं हो पा रहा। और इसके बीच जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मजदूर वर्ग के लोगों के साथ, कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, ऐसी कंडीशंस में वो पलायन कर रहे हैं और महाराष्ट्र से बिहार तक वो पैदल दूरी कर जाने को तैयार है, मतलब पैदल ही दूरी तय करने को तैयार है। और तैयार क्या है, वो स्टार्ट कर दिए हैं, पैदल जाना स्टार्ट कर दिए, मतलब इतनी बड़ी समस्या है। और इतनी बड़ी समस्या के बीच में जो हमारे इस समय के सुपर हीरो हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्स, या फिर आप पुलिस कह लीजिए, या फिर सफाई कर्मचारी, या फिर न्यूज रिपोर्टर्स, ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके हमारे लिए वर्क कर रहे हैं ताकि हम कोरोना से सेफ रहें। फिर भी ऐसी एक बहुत बड़ी ख़राब सिचुएशन के बीच जो हमारे बीच बचता है एक लिंक्स, हुआ है सोशल प्लेटफॉर्म्स। अब जैसे YouTube हो गया, TikTok हो गया, Facebook हो गया, Twitter हो गया, या WhatsApp हो गया, इनके माध्यम से ही हम घर में बैठे बैठे एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे आपको कॉमेडी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे आप ये देख लीजिए, चाहे ये स्क्रीन पे आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम वीडियो, अगर आप YouTube में जाकर एक सर्च मारिए कोरोना वायरस कॉमेडी वीडियो, तो आपको तमाम ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो कि बिल्कुल ही कॉमेडी वे में वीडियो बनाई गई है। अब आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो को देख देख करके जो लोग घरों में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति अपने आप को जागरूक करने से रोक रहे हैं, मतलब कि वो कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, वो कोरोना को एक कॉमेडी वे में ले रहे हैं। जैसे अभी हम धूम में बैठे थे तो हमारे घर के जो बच्चे हैं वो आए, बोले कि अंकल ऐसी देखिए कोरोना के का पैर तोड़ने की बात हो रही है। तो मतलब कि क्या है, आप क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी गंभीर समस्या के बीच में आप फालतू कॉमेडी वीडियो बना रहे हो और जिससे कि लोग जागरूक होने के बजाय उसको कॉमेडी वे में ले रहे हैं, जिस चीज़ को लेकर के बिल्कुल सीरियस रहना है हमको, जिस चीज़ को लेकर बिल्कुल हमको सीरियस रहना है, एकदम से अपने आप को लॉकडाउन कर लेना, 100% हमको अपना गिवन देना है, मतलब कि हमको 100% लॉकडाउन पर वर्क करना है जिसकी वजह से कोरोना का चैन टूट जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, सोशल साइट्स पे बना रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं कि जिसको देख देख करके लोग कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति अपने आप को कहीं ना कहीं कोरोना के प्रति लोग पूर्ण रूप से जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, उसको कॉमेडी वे में ले रहे हैं, ठीक ना। अभी भी आप गाँव घर में देखेंगे जहाँ की लोग एक दूसरे से के पास बैठे मिल जाएंगे, चौपाल लगा के बैठ रहे हैं या फिर कुछ प्ले कर रहे हैं, खेल कूद वगैरह वगैरह साथ में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी पूर्ण रूप से जो लॉकडाउन है वो फॉलो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से चेन ब्रेक नहीं हो पा रहा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसी फालतू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, हम और भी गंभीर समस्या में चले जाएंगे। सो अगर ऐसा ही चलता रहा है तो हमारी जो भारत सरकार है, हो सकता है कि इसके माध्यम भारत सरकार के द्वारा जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी लॉकडाउन लगा दिया जाए, ताकि लोगों तक जो ये फालतू चीज़ें हैं ना पहुँचे, जिसकी वजह से लोग पूरी तरह से पूर्ण रूप से अपने आप को लॉकडाउन कर लें और सेफ हो जाएँ और जो कोरोना का चेन है उसको तोड़ दें। तो बस अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो लोग वीडियो देख देख करके, कॉमेडी वीडियो देख देख करके अपने आप को कोरोना के प्रति सीरियस नहीं रख रहे हैं, वो भी थोड़ा सीरियस हो जाए इस वीडियो को देख करके। और इसके बीच जो वर्कर हैं, जैसे कि आपके सफाई कर्मचारी हो गए, पुलिस हो गए, या फिर डॉक्टर्स, नर्स, या फिर न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए, जो कि अपने जान को जोखिम में डाल कर हमारे वर्क करें, उनको दिल से धन्यवाद। और आप भी अपने आसपास में सहयोग करिए, अगर आप जितना हो सके आपसे सहयोग करिए, अगर कोई नीडी है, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसको ज़रूर आप सहयोग करें, अगर आपसे हो सकता है तो। और आप कोरोना के चयन को रोकने में पूर्ण सहयोग करें और लॉकडाउन को पूर्ण 100% सपना दें, ताकि पूरी तरह से कोरोना ख़त्म हो जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू टू सी दिस वीडियो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपने आप को कोरोना से आप सेफ रखिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। थैंक यू टू सी दिस वीडियो।